भारतीय इतिहास की वो कहानी जब पति के इंतजार में बिताए वर्षों, फिर कैसे पहुंचाया पति के पास संदेश। कहते हैं कि जब तक इश्क में इंतजार नहीं होता, फिर वो इश्क इश्क नहीं लगता। ये तो वो फल है जो जितना पके उतना ही मीठा होता है। कुछ इसी तरह के इंतजार में डूबी एक प्रेम कहानी है ढोला और मारू की। कहते हैं कि ये कहानी राजस्थान के जर्रे जर्रे में आज भी महसूस की जा सकती है। इसका कारण यह है कि लोक गीतों में आज भी इस कहानी को गाकर सुनाया जाता है। ये प्रेम कहानी इतनी लोकप्रिय है कि 8वीं सदी में इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, या यूं कहें कि ये प्रेम कथा 8वीं सदी की है। लेकिन आज भी राजस्थान और उसके आसपास के इलाके में इस कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। दरअसल साल कुमार नरवर के राजा नल के पुत्र थे। उनका 3 साल की उम्र में ही जांगलू देश की पवार राजा पिंगलू की पुत्री मारवाड़ी से विवाह कर दिया गया। उस समय राजकुमारी की उम्र बहुत छोटी थी, इस कारण उसकी विदाई नहीं की गई। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार की शादी कहीं और कर दी गई। समय बीत गया, साल कुमार भी अपनी पहली पत्नी के विषय में सब कुछ भूल गए। दूसरी तरफ राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे साल कुमार और उसके प्रेम को लेकर उसके सपने बड़े हो रहे थे। इधर राजकुमारी के पिता ने अपने कई बार पुत्री की विदाई के संबंध में नरवर राज्य को बहुत बार संदेश भी भेजे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अंत में राजकुमारी मारवाड़ी के पिता ने एक चतुर ढोली को संदेश पहुंचाने का काम सौंपा। ढोली का काम होता था नगर नगर जाकर लोक गीत सुनाना। चतुर ढोली नरवर पहुंच गया तथा मलहा राग में राजकुमारी के दिल का हाल अपने गीतों के द्वारा बयान करने लगा। उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर राजकुमार ने ढोली को बुलाया। तब उसने राजकुमारी के दिल का सारा हाल तथा उसके विवाह की सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार को सब याद आ चुका था तथा वो अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उनकी दूसरी पत्नी मालवाड़ी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, मगर राजकुमार अपना सबसे तेज ऊंट लेकर राजकुमारी को लेने निकल पड़े। वर्षों बाद राजकुमार और राजकुमारी आमने सामने थे। दोनों का मिलन हो चुका था, लेकिन उन्हें वापस लौटने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में जलना पड़ा, राजकुमारी को सांप का डंक झेलना पड़ा। इसके साथ ही दुश्मनों से भिड़ंत भी हुई, लेकिन आखिरकार प्रेम की जीत हुई और दोनों अपने राज्य नरवर लौट आए। राजस्थान में राजकुमार और राजकुमारी की ये कहानी ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।